राज्य के भीतर मजदूरों की आवाजाही को शर्तों के साथ मंजूरी मिली है। मजदूरों को दूसरी जगह ले जाने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, और इस बड़ी स्क्रीन के जरिए आपको हम दिखाना चाहेंगे राज्य में दूसरी जगह जाने के इच्छुक मजदूरों की स्क्रीनिंग कर बिना लक्षण वालों को भेजा जाए। राज्यों को गृह मंत्रालय का ये निर्देश है, कोई भी मजदूर राज्य की सीमा के बाहर नहीं जा सकता है। मजदूरों को दूसरी जगह ले जाने में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाए, बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है। मजदूरों को दूसरी जगह ले जाने में खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जाएगी। राहत कैंपों में रह रहे मजदूरों की स्किल मैपिंग कर कामों में लगाएं, ये भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं राज्य में दूसरी जगह जाने के इच्छुक मजदूरों की स्क्रीनिंग कर बिना लक्षण वालों को भेजा जाए। कोई भी मजदूर राज्य की सीमा के बाहर नहीं जा सकता है, ये सख्त निर्देश हैं गृह मंत्रालय की ओर से जारी। ये गाइडलाइन साफ संकेत है कि सरकार कल से कोरोना कंटेनमेंट जोन के बाहर के हिस्सों में आर्थिक गतिविधियों को एहतियात के साथ शुरू करने का मन बना चुकी है। लेकिन सरकार से आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के इन संकेतों के बावजूद कहा गया है कि लॉकडाउन के नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 20 अप्रैल यानी कि आज रात से नॉन कंटेनमेंट एरियाज में सेलेक्टिव रिलैक्सेशन के तहत हॉटस्पॉट जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, उसमें कंटेनमेंट एरियाज में ये रिलैक्सेशन लागू नहीं होगा। यहाँ पर स्ट्रिक्ट पैरामीटर कंट्रोल होगा और जिसके तहत एसेंशियल सर्विसेज के अलावा कोई और सर्विसेज अलाउ नहीं की जाएंगी। हमने कुछ एक्टिविटीज को रिलैक्सेशन दी है और जिसका बेसिक पर्पज है कि एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज फुली फंक्शनल हों, देश की रूरल इकोनॉमी फंक्शन कर सके, डेली वेज अर्नर्स और बाकी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को मॉनिटर किया जा सके, हेल्थ सर्विसेज फंक्शनल रहें, सप्लाई चेन ऑफ एसेंशियल गुड्स बनी रहे। हमारा एफर्ट है कि हम धीरे धीरे नॉर्मलसी को रिस्टोर करें ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि जान भी है जहान भी है। संयुक्त स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से महत्वपूर्ण ये जानकारी दी गई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राज्य के भीतर मजदूरों के आने जाने पर गाइडलाइन जारी कर दी गई है, लेकिन कोरोना के मामलों के मद्देनजर राज्यों की ओर से ढिलाई बरतने के संकेत नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी जिला कलेक्टर्स को पूरी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। सिर्फ गेहूं की खरीद को छोड़कर पंजाब में कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी। मंडियों में खरीद की इजाजत दी गई है, लेकिन उनका भी हेल्थ ऑडिट करने के लिए कहा गया है। रमजान को लेकर भी किसी तरह की कोई छूट नहीं देने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि कोरोना की महामारी के चलते कोई भी ढील अभी नहीं दी जा सकती है। केजरीवाल के मुताबिक 27 अप्रैल को दिल्ली सरकार समीक्षा बैठक करेगी, इसके बाद किसी आर्थिक गतिविधि को इजाजत देने का फैसला किया जा सकता है। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विकास कार्यों, सिंचाई परियोजनाओं समेत कई सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करने की इजाजत दे दी है। इसके अलावा छोटी औद्योगिक इकाइयों, ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम और सभी तरह के सामानों की ढुलाई के कामकाज को लेकर भी छूट दी जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कोरोना के ग्रीन और ऑरेंज जोन्स में कुछ आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ओर से पहले ही फैसला किया जा चुका है कि 20 अप्रैल से निर्माण के कामों को करने की छूट दी जाएगी। आइए अब आपको कुछ आंकड़ों के जरिए कोरोना के मामले कहां तक बढ़े हैं इसे समझाते हैं। कोरोना का कोहराम भारत में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आंकड़ा अब 6000 के पार पहुंच चुका है। देखिए किस रफ्तार से कोरोना भारत में लगातार अपने पैर पसार रहा है। जो सबसे ताजा आंकड़े हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक 19 अप्रैल का आंकड़ा 16116 के आंकड़े तक जा पहुंचा है, और यकीनन ये स्थिति चिंताजनक। कोरोना के भारत में 16116 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 519 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे बुरा हाल जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का है, जहां कोरोना पीड़ितों की संख्या 4000 के पार जा पहुंची है। और अगर दुनिया से हम तुलना करें हिंदुस्तान की, तो यहां पर दुनिया के आंकड़े भी आपके सामने हैं और हिंदुस्तान के आंकड़े भी सामने आए हैं। रोज कोरोना के कितने नए मामले सामने आए हैं, तो हिंदुस्तान में 1334 19 अप्रैल को सबसे अधिक नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि दुनिया भर का आंकड़ा आपके सामने है 77568। और दुनिया के जो विकसित तमाम देश हैं, जो इस वक्त कोरोना के आगे अपने घुटने टेक चुके हैं, उनसे यकीनन हिंदुस्तान सबक ले रहा है। और इसी वजह से बार बार कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और घर से अगर निकल रहे हैं तो अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं।